पड़ताल लगातार आगे बढ़ रही है। जांच एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही है कि सीमा जिस तरह के बयान दे रही है, क्या यही पूरी सच्चाई है। आज यहां सीमा और सचिन घर पर मौजूद नहीं है और सामने लिख भी दिया गया है, प्लीज रेस्पेक्ट माई प्राइवेसी मीणा फैमिली। यानी मीणा फैमिली ने कहा है कि हमारी निजता का आप प्लीज ख्याल रखें। और इसीलिए भी लगातार अब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं एजेंसी से भी कि आखिर किस किस तरह के बड़े सवाल हैं जिसका जवाब अब तक नहीं मिला है। लेकिन एक जवाब हमने लेने की कोशिश की सचिन मीणा के दादाजी से, इसी परिवार में रहते हैं, इनके साथ ही रहते हैं। और कुछ देर पहले जब हमने उनसे बातचीत की कि आपका पोता सचिन कहाँ है, उन्होंने विस्तार से बताया कि वो तकरीबन 2-3 से यहाँ नहीं है, सीमा भी नहीं है, उनके बच्चे घर में मौजूद हैं, लेकिन वो बहुत जल्द एक बार फिर से घर वापस आ जाएंगे। क्या कह रहे हैं खास बातचीत में न्यूज़ 18 इंडिया से सचिन के दादा, आप भी सुनिए। तो अभी तो नहीं है वो घर पे, नहीं है सचिन ना, और सीमा ना, वो दोनों 2-3 दिन है। अच्छा, तो वो पुलिस वाले आए थे पूछताछ के लिए, तो उनके साथ ही गए होंगे, हम है ना, उनके साथ ही गए। कब गए, परसों के दिन गए हैं क्या? अरे 2-3 दिन से जा रहे हैं। 2-3 दिन से हो गए पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं क्या? हाँ। अच्छा, तो परसों के दिन ले गए थे उसको? परसों हम वो आ गए। अच्छा, तब से नहीं आए, फिर वापस नहीं आए? शाम को आ जाओ। शाम को आएंगे। अच्छा, आप तो सचिन के दादा हो? हाँ हाँ, दादा लगे हो आप तो। हाँ, तभी तो सब ठीक है ना। हाँ। अच्छा, तो वो आज शाम को आएंगे ऐसा जानकारी दिया है क्या सचिन ने? हाँ। आज शाम को आ जाएंगे। शाम को आ जाएंगे, फिर सवेरे ही जाएंगे। और वो चारों बच्चे सीमा के घर पे हैं आपके? तो अभी घर पे नहीं है तो सचिन और सीमा नहीं है, दो लोग। हाँ। वो पूछताछ जो भी करना होगा पुलिस वाले, तो उनको गए होंगे पूछने के लिए, और जो सच सच है वो बताएंगे वो लोग। और सीमा के बारे में अब जिस तरीके से सवाल किए जा रहे हैं एजेंसीज की ओर से, कुछ सवाल हमने भी किए सचिन के दादा से, लेकिन उनका कहना है कि वो पूछताछ जांच एजेंसियां कर रही है और शाम तक वो घर लौट आएंगे। आज इस मकान में सचिन और सीमा अभी मौजूद नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब इसकी जांच पड़ताल का दायरा भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने और बढ़ा दिया है। मसला कराची को लेकर है, क्योंकि कराची का जैसे ही जिक्र हुआ तब सीमा ने कहा कि वो शादी के बाद महज एक बार गई थी कराची, और उसके बाद से सीधा वो इस तरफ का रुख करने की प्लानिंग कर रही थी। लेकिन जो खबर आ रही है पाकिस्तान से वो ये कि 4.5 साल तक तकरीबन सीमा अपने पति से दूर कराची में रही और पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में भी वो गई थी। लेकिन जब सवाल यहां पर किया जाता है सीमा से, तो वो इस बात से इनकार करती है। आखिर इस तरह की अलग अलग जानकारियां क्यों? और इसीलिए भी इसकी सच्चाई जानने के लिए अब पड़ताल लगातार आगे बढ़ाई जा रही है, ना सिर्फ नेपाल में, भारत में, इस ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में, बल्कि पाकिस्तान में भी, कि आखिर सीमा हैदर की सच्चाई क्या है। कराची में सीमा आईएसआई एजेंट से मिलती थी। कराची में सीमा का हैंडलर कौन था? क्या सीमा हैदर हिंदुस्तान में प्लांट की गई? पाकिस्तान से आई सीमा हैदर धड़ल्ले से हिंदी बोले तो शक होगा ही, कराची से भारत आई सीमा हैदर मीडिया को धड़ल्ले से इंटरव्यू दे तो शक होगा ही। भारत आते ही सीमा का इस्लाम छोड़कर हिंदू बनना, भारत में रहने की जिद करना और पाकिस्तान की बुराई न करना जांच एजेंसियों के शक को पुख्ता करता है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग आपको बुरा भला बोल रहे हैं, हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग आपके बारे में मीम्स बना रहे हैं, ट्विटर पे बहुत सारी पोस्ट हो रही है, आपको सुन के कैसा लगता है, बुरा लगता है? हिंदुस्तान में फिर भी आपको बहुत प्यार मिल रहा है। सर, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं तुम पाकिस्तान के बारे में, मैं पाकिस्तान के बारे में एक शब्द भी गलत नहीं कहा होगा। जिस कबीले से, जहाँ से मैं हूँ, सिंध और बलोच कबीले से, मैं उन्हीं औरतों की बात करती हूँ। मैं ये बात नहीं कहती कि पाकिस्तान गंदा है, पाकिस्तान में ऐसा है, पाकिस्तान में वैसा है। मैं पाकिस्तान की कभी बुराई नहीं करी। जो शहर की लड़कियां हैं वो बहुत खुश हैं, अच्छे से रहती हैं। मैं अपने गांव की बताती हूँ, जहां मेरी शादी हुई मैं उस गांव का बताती हूँ। सर, पाकिस्तानियों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे इस तरह बिला वजह ना कहें, मैं मोहब्बत में आई हूँ, मैं वहाँ खुश नहीं थी तो मैं आ गई। तो खामखा की मुझे इस तरह गलत गलत बातें, मैं अभी भी यूट्यूब चला रही थी ना, वहाँ पे तो देख रही किसी के फोन में, तब भी वो यही कह रहे थे कि सीमा पाकिस्तान के बारे में ऐसे क्यों कह रही है, सीमा पाकिस्तान के बारे में ऐसे क्यों कह रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है सर, मैं पाकिस्तान को कुछ गलत नहीं कह रही, मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं उस उद्देश्य छोड़ा उस बारे में गलत बोलूंगी। हाँ, जो गलत होता था औरतों के साथ वो मैं बोलती हूँ।
सीमा हैदर के एक बयान से जांच एजेंसियां उलझ कर रह गई हैं। पूछताछ के दौरान सीमा हैदर ने बताया कि पति गुलाम हैदर के बिना उसने करीब 4.5 साल तक कराची में गुजारा। इस नई थ्योरी के बाद जांच एजेंसियां उलझ कर रह गई हैं। अब जांच एजेंसियां सीमा हैदर का कराची कनेक्शन तलाश रही हैं, क्योंकि सीमा हैदर से पूछताछ के दौरान उसके पाकिस्तान के कई अलग अलग इलाके में रहने की जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर से अब उसके पाकिस्तान में सिंध प्रांत और कराची से जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं कि सीमा कितने दिन सिंध में रुकी थी और किसके घर में थी, वहीं कराची में किसके संपर्क में वो रही थी। सीमा पर शक इसलिए गहरा रहा है क्योंकि कराची में वो गुलाम हैदर के बिना तकरीबन 4.5 साल रही है। क्या कहीं सीमा ISI का प्लांट तो नहीं? यह शक शुरुआत से ही एजेंसियों को है और इसी लाइन पर जांच भी चल रही है, क्योंकि जो बयान सीमा ने अब तक जांच एजेंसियों को दिया है उससे एजेंसियां संतुष्ट नहीं है। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर सेना के कई अधिकारियों और जवानों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। यही नहीं, सीमा ने अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल में कश्मीर के पहाड़ों की फोटो लगाई हुई थी। सीमा हैदर इंटरनेट के जरिए दिल्ली NCR के कई युवाओं के भी संपर्क में थी। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां ऑनलाइन गेम PUBG पर सीमा हैदर के बाकी साथियों को ढूंढने में जुट गए। खुफिया एजेंसियों को शक है कि सचिन मीणा को साजिश के तहत इस खेल में ट्रैप करके लाया गया था। खुफिया एजेंसियों को शक है कि PUBG पर सीमा हैदर के साथ कई साथी भी मौजूद थे। एजेंसियां अब जांच की नई थ्योरी पर काम कर रही हैं। वो थ्योरी है कि PUBG खेल में तकरीबन 10 प्लेयर होते हैं और 10 प्लेयर में क्या सीमा हैदर और उसके अलावा पाकिस्तानी गेमर भी थे जिन्होंने सचिन को टारगेट करके सचिन को अपने ट्रैप में लिया और उसके बाद उस गेमर में जो उस गेम में खेल रहे थे वो एक एक करके पीछे हटते चले गए और सचिन और सीमा नजदीक आने लगे। सीमा हैदर पर तमाम तरह के आरोप लगे, हिंदुस्तान से कम पाकिस्तान में सीमा हैदर को लेकर ज्यादा शोर हो रहा है और सरहद पार से सीमा की भाषा, उसके रहन सहन पर भी सवाल उठाए गए। जैसे आरोप लगा कि इतनी इंग्लिश और हिंदी बोलनी सीमा ने दुबई में सीखी, दुबई में काम करते वक्त सीमा के लिए ये भाषाएं सीखनी जरूरी थी। वो तमाम लोगों के लिए खाब है, लेकिन वहाँ जब क्लब्स में लोग जाते हैं वहाँ इंग्लिश बोली जाती है और वहाँ की लड़कियाँ सीखती हैं इंग्लिश, इसने वहाँ से सीखी इंग्लिश और ज्यादातर सुना है जिससे इसके रबते थे उससे ज्यादा इंग्लिश में ही बात होती है। और मैं इस बात पे क्रेडिट देता हूँ कि इंडिया की इंग्लिश बहुत, इंडिया में लोग इंग्लिश को भी अच्छा है, हिंदी को भी अच्छा समझते हैं, उर्दू को भी अच्छा समझते हैं, इंग्लिश को भी अच्छा समझते हैं, सारी जबान सारी बोलियों की एक रिस्पेक्ट है। तो इसको सिखाई गई है, इसको प्रॉपर हिंदी जो है इसको आई आस्ता आस्ता नहीं आई, दुबई से आई है इसको दुबई में, वरना आप उसको जिस जगह में ये रहती थी अगर आप कहते हैं पाकिस्तान में वहां सोच भी नहीं सकती इसको इंग्लिश आए, वहां पे इंग्लिश ये नहीं सीख सकती, ये दुबई में सीखी इंग्लिश। हालांकि सीमा के मुताबिक उसने अंग्रेजी के शब्द पाकिस्तान में अपनी तालीम के दौरान ही सीखे थे और वो बस अंग्रेजी के कुछ शब्दों का ही मतलब जानती है जो बोलचाल का हिस्सा है। ATS ने आपसे इंग्लिश में कुछ पढ़वा के भी दिखाया? सर जैसे 2-3 चीजें होंगी, ऑलवेज हो गया, आसान आसान लफ्जों के मुझे मतलब पता है, पूरी अंग्रेजी मुझे नहीं पता। जैसे ऑलवेज हो गया मतलब हमेशा, जैसे गुड हो गया कि सही, इस तरह चीज़ें मुझे पता है और मैं बोल भी लेती हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं पूरी अंग्रेजी पढ़, अगर आप लिखा पेन से लिखा हो मुझे अंग्रेजी देंगे मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। हाँ, अलग अलग जो शब्द होते हैं मैं उनको समझ सकती हूँ, बस समझ है मुझे। तो कैसे सीखा आपने? मतलब ये मैं पढ़ाई करती सर गाँव में, हमारे सरकार की तरफ से ही पढ़ाया गया था सर, मैंने वहीं से पढ़ा और मेरा होशियार थी सबसे, हम तीनों बहनें 5-5 पढ़ी, ज़्यादा नहीं पढ़ी पर हमको समझ है। फिलहाल सीमा हैदर पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कस चुका है। सीमा अभी किसी सेफ जगह पर है जहां एजेंसियां उसे कराची की डिटेल खंगालने की कोशिश कर रही हैं।